हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 48 क्वेश्चन हो चुके, अब इसके दो ही क्वेश्चन बचते हैं 49 और 50। उन दोनों क्वेश्चन को आज कंप्लीट कर लेंगे, आज ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है। दे डिसाइडेड टू डिजॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2023। उन्होंने अपनी फर्म को डिजॉल्व कर लिया 23 में। ऑन दैट डेट देयर कैपिटल वर एक्स की कैपिटल है 40,000, वाई की कैपिटल है 30,000। क्रेडिटर अमाउंटिंग टू रुपी 24,000, उस दिन क्रेडिटर भी बता रखे 24। आगे लिखा है असेट्स वर रिलीज फॉर रुपी 88,500। ये नहीं बता रखा असेट्स थी कितने की, तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट से असेट्स की वैल्यू निकाल लाएंगे, जिसको सन्ट्री असेट्स बोलते हैं। क्रेडिटर ऑफ रुपीज 16,000 वर टेकन बाई एक्स एट 14,000। टोटल क्रेडिटर है 24,000 के, आउट ऑफ विच 16 के क्रेडिटर तो एक्स ने टेक ओवर कर लिए, जो कि 14 में लिए, तो हमारा 14 से लिखा है रियलाइजेशन में आएंगे। रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड, और जो बचे हुए क्रेडिटर थे डायरेक्ट बता दिया कि जो 8,000 के बचे, 8 कैसे बचे, टोटल है 24,000, 16,000 के क्रेडिटर तो चले गए एक्स के पास, तो बच गए कितने 8 वाले क्रेडिटर को कितने की पेमेंट हो गई 7,500। रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड 2 बैंक करके आ जाएगा, और साथ में दे रखा है कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन केम टू रुपी 500, इट इज द रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये भी डेबिट साइड आएंगे रियलाइजेशन की। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, नेसेसरी का मतलब आपको रियलाइजेशन बनाना है, पार्टनर कैपिटल और बैंक अकाउंट, और साथ में वर्किंग में मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है, जिससे हमें असेट्स पता चले असेट्स थी कितने की। तो सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट पे आ जाओ, जो जो चीजें गिवन है ये नॉर्मली बैलेंस शीट होती है, याद रख लो। बस क्या है, हमें समरी दे देगा, वो जो दे रखी है असेट्स और लाइबिलिटी यहां पुट कर दो, उससे क्या निकल जाएगा, यदि आपको सारी लाइबिलिटी के आइटम दे रखे हैं तो सन्ट्री असेट्स आ गई, कभी कभी असेट्स दे देगा और कैपिटल दे देगा तो सन्ट्री लाइबिलिटी आ गई। अब जरा क्वेश्चन की शुरुआत करो, सबसे पहले कैपिटल है एक्स और वाई की, तो वो कैपिटल लिख दो कैपिटल, लाइबिलिटी में आनी है। एक तो एक्स की दे रखी है, एक वाई की, 40,000 दे रखी है और 30,000 दे रखी है, टोटल कितनी बन गई 70, लिख दो 70,000। नेक्स्ट दे रखा है क्रेडिटर 24,000, लिख दो क्रेडिटर्स 24,000। और कोई आइटम नहीं दे रखी, और असेट्स रिलीज बता रखी है, क्रेडिटर को पेमेंट बता रखी है, उसका वर्क है रियलाइजेशन में, यहाँ तो यही आइटम थी। अब इसको क्लोज करो, सन्ड्री असेट्स आ गई, टोटल करते हो इधर का 94,000 आ गया, लिख दो 94। और ये जो मिसिंग फिगर आ गई, यानी कि बैलेंसिंग फिगर, ये क्या चीज आ गई हमारी, सन्ड्री असेट्स, इसी की हमें जरूरत थी, जो कि रियलाइजेशन में पुट करेंगे अब, और यहाँ लिख भी दो बैलेंसिंग फिगर, तो ये तो निकल गई सन्ड्री असेट्स। ये वर्क आपको वर्किंग में करना, इतना पार्ट याद रख लो, फेयर में रियलाइजेशन से शुरुआत होगी। अब रियलाइजेशन अकाउंट देखो कैसे बनते हैं, रियलाइजेशन में असेट्स किधर ट्रांसफर करते हैं, डेबिट, क्यों करते हैं, हर क्लास में रिपीट करते हैं, डेबिट बैलेंस है इसलिए इधर, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है लाइबिलिटी के, तो यहां पर लिख दो 2 सन्ड्री असेट, जो आप निकाल के लिए आए अभी, के लिए क्या आए थे 94, लिख दो 94। इधर लिखो क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के बैलेंस क्या है, क्रेडिट साइड है 24,000, क्लियर है। चलो जी, ये तो वर्क हो गया, अभी बैलेंस शीट से ध्यान रखना। अब एडजस्टमेंट पे आओ कि ये असेट्स कितने की रिलीज हुई, लाइबिलिटी को पेमेंट कैसे हुई, वो नीचे लिखी हुई है। देखो असेट्स बता रखी है रिलीज हो रही है आपकी 88,500, लिख दो यहाँ पर बाई बैंक, ये भी याद रख लो, एक बार असेट्स इधर लिखेंगे फ्रॉम बैलेंस शीट, जब भी ये रिलीज होगी या टेकन अप होगी तो अपोजिट साइड आएगी, लाइबिलिटी बैलेंस शीट से इधर आएगी, जब ये पे ऑफ करोगे तो डेबिट साइड, या पार्टनर इसको पे ऑफ करता है तो डेबिट साइड, यहाँ लिख दो बाई बैंक, ब्रैकेट में कर दो असेट सोल्ड 88,500। अब लाइबिलिटी की पेमेंट की बारी, 16,000 वाली लाइबिलिटी हमने जो है टेक ओवर करी है एक्स ने 14 में, जितने में टेक ओवर करी, लिख दो एक्स कैपिटल 14,000, हमें 16 से लिंक नहीं है, और ब्रैकेट में कर दो क्रेडिटर्स, इसने क्रेडिटर लिए थे। चलो अब बच गए हमारे रिमेनिंग क्रेडिटर, उसके बारे में लिखा है 7,500 में जो है पे ऑफ कर दिया रिमेनिंग को, लिख दो 2 बैंक, यहाँ लिख दो 7,500 और ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पर रिमेनिंग क्रेडिटर, ये क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे दे रखे एक्सपेंसिज 500, वो भी लिख दो 2 बैंक, एक्सपेंस इधर आएंगे, नोट कर लो, जब भी आपकी तरफ से कोई भी अमाउंट रिलीज होगा तो इधर आएगा क्रेडिट साइड, जब पे ऑफ करोगे तो इधर आएगा, जैसे हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी तो इधर आ गया,
असेट सेल आउट हुई थी तो मनी आ रही थी तो इधर आ गया। अब पेमेंट कर रहे हैं एक्सपेंस की, तो लिख दो एक्सपेंस यहां पर कितने के दे रखे हैं 500। क्लियर है। अब इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल करते हैं 4 लास्ट में तो ये 3 0 आ गई। उसके बाद 1 कैरी हो गया, 7 और आपका 8 15 और 1 16, 1 कैरी हो गया, 10 और 1 116,000 तो इधर आ रहा है, लिख लो 116,000। और यहाँ लिखो लॉस ट्रांसफर्ड, कितना लॉस दिख रहा है जरा चेक कर ले, 5 और 5 कितना हो गया 0, 1 कैरी हो गया, 8 और 4 12 और 1 13, 13 और 3 कितना हो गया 16, 1 कैरी हो गया, 10 11 आ गया, 3500 लॉस आ रहा है। लिख दो भाई लॉस ट्रांसफर टू, एक तो लिख दो एक्स कैपिटल और एक लिख दो वाई कैपिटल, दो पार्टनर है दोनों में ट्रांसफर हो जाएगा, कौन सी रेशियो में होगा नोट करो, 3:2 दे रखी है, एक का करोगे तो 2100 आ जाएगा, एक का करोगे 1400 आ जाएगा, कैसे आ गया वो भी देख लो, 35 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3500 इंटू 3/5 करोगे तो इतना आ जाएगा, 3500 इंटू 2/5 करोगे तो इतना आ जाएगा। क्लियर है, ये तो बन गया रियलाइजेशन, तो ये चीज क्लियर है। सबसे पहले वर्किंग में बनेगी बैलेंस शीट, क्यों बनेगी, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, सन्ड्री असेट्स दे नहीं रखी, ये तो बता रखी है इतने की रिलीज हुई लेकिन वो थी कितने की ये नहीं पता, उसके लिए बनानी पड़ती है बैलेंस शीट। जब कभी भी आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट ना हो रिजोल्यूशन में और समरी में दे रखा हो कि कैपिटल इतनी है लाइबिलिटी इतनी है तो ये बना लिया करो, ये बनाने से ये चीज मिल जाएगी। उसके बाद ये पुट करी, फिर आपका नॉर्मल रियलाइजेशन हो गया। अब इसका प्रिपेयर करते हैं कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, कैसे बनेगा नोट करो। इसके सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखे जाएंगे, बैलेंस शीट में दे रखे हैं, और जब भी बैलेंस शीट में दे रखे होंगे तो बीडी आएंगे, चाहे इधर आए चाहे इधर आए, ये आपने सोचना है इधर लिखना है बैलेंस बीडी है, इधर लाइबिलिटी मैंने आपको बता रखी है किधर लिखी जाएगी, लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है तो इधर लिखा जाएगा, तो बैलेंस बीडी यहां पर आएगा। ना भी समझ आए किसी को डेबिट क्रेडिट तो याद रख लो क्रॉस करके लिखना है, लाइबिलिटी में आप चेक करो मेमोरेंडम बैलेंस शीट में किधर लिखाए थे कैपिटल अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड, किधर लिखे जाएंगे बीडी इधर राइट हैंड साइड, लिख दो एक एक स्टेप सोच के करो, कभी गलती नहीं होगी, लिखो भाई बैलेंस बीडी कितना कितना अमाउंट था, एक का 40,000 था ध्यान करो, एक का 30,000 था, और बैलेंस शीट से कोई आइटम नहीं है, कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है। अब जरा चलते हैं रियलाइजेशन में, पहले सबसे पहले रियलाइजेशन की डेबिट साइड आओ, एक्स ने टेक ओवर करा था क्रेडिटर यानी कि पेमेंट कर रखी है एक्स ने, क्रॉस करके लिखना है, और क्यों लिखते हैं एक्स में, क्योंकि वो पे तो करना था फर्म ने, बाई चांस किसने पे कर दिया एक्स ने, उसकी कैपिटल इंक्रीज कर लेंगे। फर्म ने पार्टनर से कुछ लेना है तो डेबिट में लिखते हैं, पार्टनर को कुछ देना है तो क्रेडिट करेंगे, लिख दो यार रियलाइजेशन, वरना लेजर पोस्टिंग है ध्यान रख लो, रियलाइजेशन अकाउंट भी आपका लेजर है और उसके बाद कैपिटल अकाउंट भी लेजर। जब कभी भी आएगा एक्स का कैपिटल ढूंढो, हम क्या बना रहे हैं एक्स और वाई कैपिटल, रियलाइजेशन में जिधर भी दिख रहे हैं क्रॉस करके आ जाएंगे, डेबिट में एक ही जगह दिख रहा था एक्स कैपिटल क्रेडिटर की पेमेंट, कितने की पेमेंट थी ध्यान करो 14,000 जो 16 वाले उसने लिए थे, लिख दो क्रेडिटर्स जो आपको दिक्कत भी ना पड़े, ये लो ये तो क्लियर हो गया। अब जरा चलते हैं रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड, वहां लॉस आया था तो कैपिटल क्या होगी डिक्रीज होगी, तो डेबिट में लिखो वरना लेजर पोस्टिंग है, लिख लो क्रेडिट में दे रखे हैं तो डेबिट में आ जाएंगे, डेबिट दे रखे हैं तो क्रेडिट में आ जाएंगे, कैसे आ गया ये लिख लो लॉस, आपको रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड दिखा रखा था, ये जब दूसरे लेजर में आएगा तो किधर आ जाएगा डेबिट, कितना अमाउंट था 2100, ये कितना आया था 1400, ये लेजर पोस्टिंग समझ आ गई, ये 11th का पार्ट है वैसे ध्यान रख लो, क्रॉस करके लिखा जाता है एक लेजर से जब दूसरे लेजर में लिखे जाएंगे। अभी जब हम यहाँ बैंक लिखेंगे तो जब मैं बैंक बनाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कैसे क्रॉसिंग है, ये चीज क्लियर हो गई, और कोई आइटम नहीं। अब इस अकाउंट को क्लोज कर दो, क्लोज करते हो तो देखो ये वाली साइड ज्यादा है इसकी, ये तो बन गया 54,000, यहां लिखो 54,000 30,000, और अब यहां लिख दो टू बैंक जो उनको पे ऑफ करेंगे, ये फाइनल पेमेंट हो रही है उनको, लिख दो बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में कर दो फाइनल पेमेंट। अब इससे लेजर पोस्टिंग और आराम से समझ आ जाएगी आपको, ये रहा, इसमें से ये माइनस करो, माइनस करते हो तो 51,900 आ गए, तो इसमें से ये माइनस करो, माइनस करोगे तो 28,600 आ जाएगा, ये चीज क्लियर हो गई, ये दोनों पार्टनर को पेमेंट है। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट, अच्छा क्योंकि बैंक भी बैलेंस शीट में जाएंगे, बैंक तो नहीं दे रखा है तो उसका बीडी लिखा जाएगा, और असेट साइड होगा वो तो टू बैलेंस बीडी, अब दे नहीं रखा तो लिखेंगे नहीं। अब रियलाइजेशन में चलो, कौन सी साइड के अंदर आपने बैंक लिखा था, देखो रियलाइजेशन में पहले डेबिट में आ जाओ, दो एक तो 7,500 की पेमेंट कर रखी है, नंबर दो 500 आपने एक्सपेंस कर रखे हैं, लिख दो
7500 डेबिट में लिखे थे ये रियलाइजेशन में, इसलिए ये यहाँ क्रेडिट आएंगे। और जो उनसे अकाउंट से लेके आ रहे हो उसी का नाम में कर भी दो क्रेडिटर्स। चलो जी, 500 के एक्सपेंस थे वो भी डेबिट में लिखे थे टू बैंक, लिखो यहाँ पर बाय रियलाइजेशन 500। जरा क्रेडिट साइड चलो, असेट सोल्ड हुई थी, कैश आया था जितना आया, क्रेडिट साइड में 88500 लिखा था, लिख दो टू रियलाइजेशन। कौन से अकाउंट से ला रहे हैं ध्यान रख लो, अभी आपको यहाँ से इलाजर और समझा देता हूँ। यहाँ लिख दो असेट सोल्ड जो हुई थी जिससे मनी आई है, जब भी बैंक अकाउंट में इंक्रीज होगी मनी इधर लिखी जाएगी, डिक्रीज होगी तो इधर, ध्यान रख लो। अब जरा देखो यहाँ से पोस्टिंग करके दिखाता हूँ आपको, ये आउटफ्लो है पेमेंट कर रहे हैं, मैंने अभी बताया इनफ्लो होगा तो इधर, यानी कि मनी आएगी तो इधर, मनी जाएगी तो इधर, तो ये दोनों इधर आएंगे। लेकिन लेजर पोस्टिंग सीखो आप, ये बैंक अकाउंट लेजर है, ये भी लेजर है, एक लेजर से जब क्यों हम क्या बना रहे हैं बैंक, इस पूरे में बैंक ढूंढो कहाँ है ये लिखा हुआ, इसको इसमें पोस्ट करते हैं, इट इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। किधर लिखा हुआ है डेबिट साइड, तो किधर आएगा अपोजिट साइड क्रेडिट, याद रख लो। और कौन से अकाउंट का नाम, जिस अकाउंट से ला रहे हो लिख दो भाई एक्स कैपिटल, अकाउंट दे रखा है 51900, ये तो ये लिख दिया। उसके बाद आगे चलो 28600 है, वो किसका नाम दे रखा है वाई, लिख दो वाई कैपिटल अकाउंट। अब इनका करते हैं टोटल, टोटल करते हैं तो जरा चेक करते हैं, इधर की साइड तो 88500 दिखी रही है, कोई भी और आइटम नहीं है, वो भी मैच करनी चाहिए। लास्ट में आपका 9 और ये कितना बन गया 15 और 520 25, तो ये बन गया 2 कैरी हो गया, ध्यान रखना। फोर्थ स्टेप पे आ जाओ, 8 और 2 10 हो गया, 10 और 8 कितना हो गया 18 आ गया, 1 कैरी हो गया। 7 और 1 कितना हो गया 88500 88500। यदि ये बैंक अकाउंट मैच करता है तो समझ लो इससे पीछे के वर्क में कोई एरर नहीं हुई, इसका मतलब वहाँ सब कुछ करेक्ट था। तो आज हमारा अब ये 49 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बच गया 50, उसको भी आज ही कंप्लीट करते हैं, जिससे नेक्स्ट क्लास में आपको सेकंड बुक स्टार्ट कर देंगे, इश्यू ऑफ शेयर यानी कि कंपनी अकाउंट्स। तो अब स्टार्ट करते हैं 50, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है वो, ये भी बता देता हूँ। उसके अंदर क्या है, हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है, साथ में P&L अप्रोप्रिएशन भी और कैपिटल अकाउंट भी बिफोर डिसोल्यूशन, और उसके बाद फिर डिसोल्यूशन के बाद जब डिसोल्यूशन हुआ तो फिर से रियलाइजेशन कैपिटल और बैंक बनाना है। तो अब वो क्वेश्चन करते हैं 50, रीड करता हूं आप देखिए। लिखा हुआ है PQ and R पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:3:2, तीन पार्टनर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है। देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल आर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग प्रोपोर्शन, उनकी कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है। ऑन 1st April 2022 द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व आर 80,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टली। जनरल रिजर्व तो दे रखा है 20 और जो कैपिटल दे रखी है 80,000 जो कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है, ये तीनों की कैपिटल है। हमें जो है खुद कैलकुलेट करनी है इसमें पी की कितनी है, क्यू की कितनी और आर की कितनी। आगे ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 द फर्म मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹28,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% का प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन वो प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग IOC, IOC मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसमें P&L अप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ेगा वर्किंग में। उसके बाद द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर आर ₹8,000, ₹7,000 and ₹5,000, तीनों की ड्रॉइंग्स दे रखी है, ये कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू डिजॉल्व द फर्म, यानी कि 23 में उन्होंने डिसाइड किया फर्म को डिजॉल्व करने का। द असेट्स रिलीज हो रही है 1,08,600 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसिज अमाउंटिंग टू ₹1,800। अब ये देखो इस क्वेश्चन में करते क्या है, हमें कैपिटल ही नहीं पता 2023 की, हमें कैपिटल दे रखी है 2022 की 1st अप्रैल की, तो पहले तो आपको 23 की कैपिटल निकालनी होगी कितनी है, उसके बाद बनेगी मेमोरेंडम बैलेंस शीट। किंग नोट में तीन वर्क करने होंगे ध्यान रख लो, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाया जाएगा, उसके बाद पार्टनर कैपिटल बनेंगे बिफोर रिजोल्यूशन, क्योंकि हमें जो कैपिटल दे रखे हो कौन सी दे रखी है 1st April 2022 की, हमें कैपिटल चाहिए 31st March 2023 की, क्योंकि उस दिन डिजॉल्व हुई है, तो एक ये बनेगा, इसके बाद बनेगी मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो ये तीन वर्क तो आपको करने हैं वर्किंग नोट्स में, इसके बाद बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट और फिर दोबारा से पार्टनर कैपिटल अकाउंट और फिर बैंक अकाउंट। तो टोटल करते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, बड़े ध्यान से करते चलना। देखो सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन जो फंडामेंटल से रिलेटेड है, सबसे पहले यहाँ प्रॉफिट लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको आपको थोड़ा याद हो नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, कितना दे रखा है 28,000, लिखो 28, ये क्लियर हुआ। अब इधर लिखना है आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको याद हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यही लिखते हैं हम, लिख दो किस किस को देना है, एक तो P को देना है, एक Q को देना है और एक R को, कितना कितना होगा ये नहीं पता,
टोटल कैपिटल यहां आ जाओ वर्किंग में, देखो टोटल कैपिटल आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 80,000, और वो तीनों की कैपिटल है, ध्यान रख लेना कौन से प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट है, ये रही 3:3:2, इस कैपिटल यानी कि तीन जनों की कैपिटल है पी क्यू आर की, तो पी की कितनी होगी निकाल लो, लिखो पी की कैपिटल 80,000 और इंटू कर दो 3/8, तो एक की तो कैपिटल आपके पास आ गई 30,000, ये तो किसकी आ गई, पी की, ध्यान रखना, ऐसे ही क्यू की निकाल लो, क्यू की भी आ गई 80,000 और इंटू कर दो यहां पर 3/8, दोनों की सेम आएगी क्योंकि फिगर ही सेम है 30,000, ऐसे ही आर की निकाल लो, आर की कैसे आ जाएगी, ये री 80,000 और इंटू कर दो 2/8 करोगे तो 20,000, तो तीनों की कैपिटल भी पता चल गई हमें, क्योंकि क्वेश्चन में एक ट्विस्ट था कि कैपिटल भी नहीं दे रखी थी, तो क्लियर हो गया ये चीज, तो अब ये पता चल गई कि इसकी कैपिटल 30 है, इसकी 30 और उसकी 20, तीनों को मिलाओ तो 80, अब ये आईओसी बन गया, यहां कैसे बनेगा देखो, 30,000 लिखो इंटू करो रेट कितना है 5%, तो कितनी आ जाएगी करोगे तो 1500 आ गई आईओसी, ऐसे इसकी 30,000 है इंटू करो 5/100, कितनी आएगी इसकी भी सेम आएगी, इसी तरीके से इसकी 20 है तो लिख दो इंटू 5/100, कितना बन गया 1000, यहां तक क्लियर हो गया, ये तो बन गया आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, अब इसमें प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो, लिख दो यहां पर प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किधर की साइड बड़ी है ये 28,000 लिखो, बहुत आसान से करते जाओ, ये फंडामेंटल से रिलेटेड आ गया थोड़ा सा, यहां लिखो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, चलो किस किस को देना है, एक तो P को देना है, एक Q को देना है, एक R को, कितना देना है 24,000, कैसे आया 24, ये रहा ये टोटल बना 4,000, उधर प्रॉफिट था 28, 4 माइनस करो तो 24, ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो, करोगे 24,000 इंटू कर दो यहाँ 3/8, तो एक का तो बन जाएगा 9,000, दूसरे का भी करोगे 24,000 इंटू 3/8, उसका भी 9 आएगा, ऐसे ही अगले का कर लो 24,000 इंटू 2/8, ये 6,000 आएगा, ये बन गया टोटल 24, ये तो क्लियर हुआ, ये तो बना पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, अब इसको पोस्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि हमें जो कैपिटल है वो चाहिए जिस डेट को डिसोल्यूशन हुआ, अभी जो आपको बैलेंस वीडी दे रखा है अच्छी तरह से नोट कर लो, वो कौन सा दे रखा है बैलेंस वीडी 1 अप्रैल का, लिखो यहाँ बैलेंस वीडी कितना दे रखा है, इसका दे रखा है 30, इसका भी 30 जो अभी नीचे से निकाला, और ये 20, और यहाँ डेट भी लिख लो, वैसे ये 1/4/2022 को दे रखे हैं, ये चीज क्लियर हुई, अब इसमें एक तो आईओसी पुट करो, एक ये प्रॉफिट और ड्राइंग्स भी दे रखी है क्वेश्चन में, पहले तो यहाँ लिख दो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना निकला था थोड़ा ध्यान करो, एक का 1500 आया था, दूसरे का भी 15, तीसरे का 1000, ऐसे या फिर लिखो बाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रॉफिट आपका आया है, कितना आया है ब्रैकेट में कर दो प्रॉफिट, चलो जी कितना आया था, एक का आया था 9,000, इसका भी 9,000 था और इसका 6,000, यहां तक क्लियर हो गया, ये यहीं से पोस्ट है देख लो, अच्छा ये भी लेजर पोस्टिंग है, ये भी लेजर अकाउंट, ये भी लेजर, इससे जब पोस्ट होगा तो क्रॉस करके होगा, देख लो आईओसी इधर लिखा था डेबिट, तो किधर आ गया कैपिटल में क्रेडिट, अब जरा इधर चलते हैं ड्राइंग्स देखो, क्वेश्चन में दे रखी है, ये दे रखी ड्राइंग्स कितने की दे रखी है, लिखी हुई है क्वेश्चन में, एक की ड्राइंग्स 8,000 है, एक की 7,000 है, एक की 5,000, ये लिख दो, क्लियर है, अब जो ये बैलेंस शीट आएगा ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट में जाएगा, ये कौन सी डेट की आ गई आप याद रखो, अब ये आपकी आ गई 31 मार्च 2023 की बैलेंस सीडी, अब इसका टोटल करते हैं तो 40,500 तो इधर का बन गया, इसका भी करो, इसका भी सेम बन रहा है 40,500, इधर करोगे तो 27,000, ये तो इधर के टोटल हुए, इधर आ रहे हैं ये बैलेंसिंग फिगर आई है, ध्यान कितनी कितनी आई 40,500, ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट में जाएगी याद रख लेना, और ये कितना था 27, इसको करते हो तो ये तो 22 बन गया, लिख दो, इसमें से माइनस करोगे तो 33,500 आ गया, ये माइनस करते हो तो 32,500 आ गया, ये चीज क्लियर हो गई, अब ये जो चीज है ये जो तीन निकली है इनका यूज है मेमोरेंडम बैलेंस शीट में, ये ट्रांसफर होंगी लाइबिलिटी साइड, ये मेमोरेंडम ये क्योंकि हमें दे नहीं रखी थी, हमें कौन सी दे रखी थी एक साल पहले की, डिसोल्यूशन हो रहा इस डेट को, इसलिए इसमें एक तो ये बनाना पड़ा क्योंकि आईओसी का भी प्रोविजन था, प्रॉफिट भी दे रखा था, और कैपिटल भी जो दे रखी थी वो उस डेट की नहीं थी जिस डेट को डिसोल्यूशन हुआ, अब हमें वो कैपिटल पता चल गई जिस डेट को डिसोल्यूशन हुआ, 23 में डिसोल्यूशन हुआ है, वो कैपिटल चाहिए इसलिए दोनों वर्क करने पड़े,
अब शुरुआत करते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट से। तो अब आपको ये याद रखना है, ये वाली कैपिटल बेस बनेगी वहां। यहां पर हमें जो है ये बैलेंस शीट, अब आपको पता चल गई कैपिटल कितनी आई थी, ये भी वर्किंग तक ही बनेगा, फेयर में यहां से शुरू करना है। तो सबसे पहले देखो बैलेंस शीट में जो जो आइटम दे रखे हैं वो लिखते जाओ, क्या क्या दे रखा है, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सन्ड्री एसेट्स नहीं पता हमें। ये तो पता है एसेट्स कितने की सेल आउट हुई, ये नहीं पता वो कितने की थी, इसके लिए बैलेंस शीट बनती है। यहां सबसे पहले कैपिटल लिख दो तीनों की, कैपिटल अकाउंट से बनाई है, एक तो पी की, क्यू की, आर की। एक की तो दे रखी थी 32,500 नोट करो, एक की 33,500 आई थी और एक की 22,000, ये अभी अभी कैपिटल से निकाली है। अब जरा चेक करते हैं, देखो क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व भी दे रखा है और आपको जो है क्रेडिटर भी दे रखे है, दोनों लिखो यहां पर। ये तो जर्नल रिजर्व हो गया, रखा है जर्नल रिजर्व 20,000 और लाइबिलिटी दे रखी है 18,000, ये तो 20,000 और लाइबिलिटी आपको बता रखी है 18,000, ये लिख दो। अब इनका करो टोटल, अब पता चलेगा कि कितनी सन्ड्री असेट्स आई। असेट साइड में कोई आइटम नहीं दे रखी, यहीं से फाइंड आउट हो जाएगी। वन ये तो जीरो बन गया, लास्ट में वन कैरी हो गया, नोट करो। थ्री और फोर हो गया, फोर और फोर एट हो गया, एट और एट 16, वन कैरी हो गया। टू और टू फोर हो गया, सिक्स हो गया सिक्स, और 1,26,000 आ रही है, लिख दो 1,26,000। ये क्या चीज आ गई, नोट करो, सन्ड्री असेट्स जिसकी रिक्वायरमेंट थी हमें, यहां लिख दो सन्ड्री असेट्स। ये बैलेंसिंग फिगर आई है, ध्यान रखना बैलेंस शीट से। इसका यूज क्या था, रियलाइजेशन में यूज है अब, क्योंकि अब हमें पता चल गई जो असेट सेल आउट करी वो थी कितने की, वो ये थी, इसके लिए बनाना पड़ा था। अच्छा, यहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हमें कैपिटल के बैलेंस भी इस क्वेश्चन में क्या थे, एक साल पहले के दे रखे थे, तो कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ा वर्किंग में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी पॉइंट था, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ा। अब यहां तक तो वर्किंग नोट्स खत्म हो गए, यहां से फेयर वर्क शुरू। अब ट्रांसफर करो यहां असेट्स और लायबिलिटी। अब सबसे पहले तो लिख दो जो जो असेट्स आपको दे रखी, एक तो सन्ड्री असेट्स दे रखी है, लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट में कितने की दे रखी है, 1,26,000, चलो। और उसके बाद अब आपको लायबिलिटी दे रखी है, लायबिलिटी भी दिखा दो। ये तो बैलेंस शीट से वर्क हो रहा है, याद रख लेना। अच्छा, लायबिलिटी क्रेडिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसके क्रेडिट बैलेंस है इसलिए क्रेडिट में लिखे जा रहे हैं, इसके डेबिट बैलेंस थे इसलिए डेबिट में लिखे जा रहे हैं। ना भी किसी को समझ आए डेबिट क्रेडिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो तो रियलाइजेशन में असेट्स लिखते हैं, कहां से लिखते हैं, ये देखो क्रॉस करके लिखा, लायबिलिटी आपने क्रॉस करके लिखी, क्लियर हो गया। कैपिटल अकाउंट कैपिटल में चला जाएगा, रियलाइजेशन में नहीं आएगा। जर्नल रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है कैपिटल अकाउंट में, एक ही लायबिलिटी थी वो ट्रांसफर, असेट्स आपकी थी वो ट्रांसफर। अब चलते हैं ये कितने की सेल आउट हुई और इनको कितनी पेमेंट करी। नीचे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है द असेट्स रिलीज 1,08,600, लिख दो यहां पर बाई बैंक, कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी, दोनों में से कोई भी 1,08,600, ब्रैकेट में कर दो असेट सोल्ड। ये तो ये हो गया। इसके बाद लायबिलिटी के बारे में कुछ मेंशन नहीं है कि इस लायबिलिटी का क्या हुआ, फुल पेमेंट करो लिखो यहां, आपको रूल है याद रख लो, लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो फुल पेमेंट हो जाएगी। अब देखो आगे दे रखे हैं 1800 के एक्सपेंस दे रखे हैं, वो भी लिखो यहां, तो लिख दो आप बैंक, ये रहा, ब्रैकेट में कर दो एक्सपेंसेस 1800, और यहां लिख दो आप लायबिलिटी। ये तो ये वर्क हो गया भाई, असेट्स थी वो रिलीज हो गई, लायबिलिटी थी पे ऑफ हो गई, कोई एक्सपेंस थे वो भी लिख दिए। अब निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस, क्लियर दिख रहा है, ये वाली साइड छोटी है क्योंकि ये तो टोटल 126,600 बना, ये तो यहीं ज्यादा दिख रहा है, तो ये वाली बड़ी साइड है लॉस आ रहा है, लिख दो यहां पर 8 आ गया लास्ट में, तो लिख दो 8। उसके बाद फोर स्टेप पे आ जाओ, ये बन गया आपका 14,15, 5 आ गया यहां पर, 1 कैरी हो गया, ये 4, 1,45,800 आ रहा इधर का, लिख दो 1,45,800। अब निकाल दो लॉस ट्रांसफर्ड, इतना लॉस आएगा चेक करो यहां से, ये तो लास्ट में तो 200 आ रहा है, 2 आ रहा है, तभी 8 बना, 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 के बाद पहुंचते हैं तो 9 पे 25, 2 कैरी हो गया 3, 19,200 का लॉस आ रहा है, ध्यान रखना, जो कि ट्रांसफर होगा किसमें, पी कैपिटल, क्यू कैपिटल और आर कैपिटल, कौन सी रेशियो में ट्रांसफर होगा नोट करो, इनकी रेशियो दे रखी है 3:3:2, तीनों में करते हो तो एक का तो आएगा 7,200, इसका भी आएगा 72, इसका करोगे 4,800, कैसे आया वो भी समझ लो, 19,200 है इंटू करो 3/8, कहाँ से आया 3/8, टोटल तो डिनोमिनेटर बनेगा, ऊपर इसका शेयर, ऐसे लिखो 19,200 इंटू 3/8, ये तो दोनों सेम आएंगे 19,200 और इनटू कर दो 2/8, क्लियर हो गया, ये 48।
तो ये तो बन गया हमारा रियलाइजेशन, काफी आसान था। अब प्रिपेयर करते हैं इसका कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले तो बैलेंस बीडी लिखे जाएंगे, जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट में लिखे थे हमने वो यहां लिखो, क्योंकि लायबिलिटी के बैलेंस है तो क्रेडिट साइड आएंगे। लिख दो भाई बैलेंस बीडी। तो सोच के करो क्यों लिखते हैं इधर, क्यों नहीं, इसका तो आया था 32,500, अच्छी तरह से नोट करो, इसका था 33,500 और इसका था 22,000। ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट में लिखे हुए थे, वही ट्रांसफर करिए। वहां पर आप जनरल रिजर्व भी लिखा था, वो ट्रांसफर होगा क्योंकि वो भी लायबिलिटी में दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड आएगा जब डिस्ट्रीब्यूट होगा। लिख दो यहां पर कैसे होगा, ये टोटल दे रखा है आपको 20,000 जनरल रिजर्व, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:3:2 में करोगे तो एक का तो 7,500, दूसरे का भी 7,500 और इसका 5,000। ये क्लियर है, ये आप कैलकुलेशन कर लेना कैसे आया, 20,000 × 3/8 करोगे तो इतना आएगा, दूसरे का भी सेम क्योंकि दोनों का रेशियो, और 2/8 तो 5,000। ये तो वर्क हो गया बैलेंस शीट से। अब जरा चलते हैं रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में डेबिट साइड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट कहीं नहीं है, अब लेजर पोस्टिंग शुरू होगी। रियलाइजेशन की क्रेडिट में जाओ, वहां पर है लॉस आया था। मैंने आपको बताया जब भी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज करनी है तो इधर लिखो, जैसे हमने जीआर देखो इधर लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि पार्टनर को देना है, प्रॉफिट है तो इंक्रीज करी तो इधर, डिक्रीज करनी है तो इधर, तो लॉस तो इधर आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट पे चलो, लेजर पोस्टिंग करो जो 11th में हमने सीख रखी है, ये भी लेजर अकाउंट है और रियलाइजेशन अकाउंट भी लेजर है। एक लेजर से जब दूसरे लेजर में लेके आएंगे तो वो क्रॉस करके लेके आएंगे। हमने रियलाइजेशन में किधर लिखे हैं, पार्टनर कैपिटल, हम पार्टनर कैपिटल ही बना रहे हैं PQR। क्रेडिट में लिखे हैं, डेबिट में लिख दो, जिस अकाउंट से लेके आ रहे हो उसका नाम लिख दो। ये लो, ये अभी आपको बैंक अकाउंट से और क्लियर हो जाएगा। और ब्रैकेट में लिख दो लॉस, कितना कितना आया था, एक का 7,200 था, दूसरे का भी 7,200 और इसका आया था 4,800। ये क्लियर हो गई, ये तो हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अब कोई आइटम नहीं बची, ना तो कोई टुक ओवर कर रखी पार्टनर ने कोई असेट्स, ना कोई लाइबिलिटी पे ऑफ। अब इसको क्लोज करूं, क्लोज करते हो तो इधर का तो टोटल बन गया 40,000। देखो इधर का करोगे 41,000, इधर का करोगे 27,000। लिख दो, ये आ गया 40,000, इसका 41,000 और वो 27। अब यहां लिख दो टू बैंक जो बैलेंसिंग, इनको फाइनल पेमेंट कर दो, बैंक अकाउंट लिखो या लिख दो फाइनल पेमेंट। इसमें से अब ये माइनस करते हो तो 32,800 आ रहा है ये तो, इसमें से यदि ये माइनस करोगे तो 33,800 आ जाएगा, ऐसे इसमें से ये माइनस करोगे तो 22,200 आ जाएगा। ये फाइनल पेमेंट हो गई पार्टनर्स को, तो हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अब चलते हैं बैंक अकाउंट, वो कैसे बनेगा देखो जरा। सबसे पहले क्योंकि अकाउंट है तो बैलेंस शीट में जाओ, क्या बैंक अकाउंट के बैलेंस है, नहीं है तो बैलेंस बीडी नहीं आएगा। कैपिटल के बैलेंस बीडी लिखे थे क्योंकि बैलेंस शीट में उनके बैलेंस थे। अब शुरुआत करते हैं बैंक अकाउंट की, पहले रियलाइजेशन से ही शुरू करो। रियलाइजेशन में दो जगह टू बैंक लिखा है, जब हम जोन सा अकाउंट बनाएंगे उसको फोकस करते हैं, वो रियलाइजेशन में किधर लिखा है। जब हम कैपिटल बना रहे थे तो हमने कैपिटल की आइटम ढूंढी थी, क्या क्या लिखा हुआ है रियलाइजेशन में, ये रहा लॉस था। अब हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो रियलाइजेशन में बैंक दो जगह लिखा है, डेबिट साइड, क्रेडिट में आ जाएगा। लेजर पोस्टिंग है, लिख दो यहां पर रियलाइजेशन, एक तो 18,000 की पेमेंट कर रखी है आपने क्रेडिटर को, लिख दो लायबिलिटी पेड। चलो जी, अब एक और 1800 वहां लिखे थे रियलाइजेशन एक्सपेंस, याद करो वो भी यहीं पर आएंगे, डेबिट में लिखे थे तो क्रेडिट में आएंगे। लेजर पोस्टिंग है, सीधी सी बात, लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट। ये तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में भी थी असेट सोल्ड, 1,08,600 की क्रेडिट में थी तो डेबिट में आएगी। लिख दो टू रियलाइजेशन, 1,08,600 थी, ध्यान करो, और यहां लिख भी दो असेट सोल्ड जो थी। अब आपको यहां थोड़ा लेजर पोस्टिंग और क्लियर होगी। देखो अब कैपिटल अकाउंट में बैंक ढूंढो कहां लिखा है, हम बैंक बना रहे हैं तो बैंक ही देखेंगे, याद रखना ये लिखा हुआ बैंक, किधर लिखा है डेबिट तो किधर जाएगा क्रेडिट, लिखो यहां पर, ये लेजर पोस्टिंग होती है याद रख लो। रखा है इसका दे रखा है 32,500, उसके बाद लिख दो क्यू कैपिटल 33,800 और आर का लिख दो आर कैपिटल, कितना अमाउंट दे रखा है 22,200। ये चीज क्लियर हो गई, ये तो हो गई हमारी सारी बैंक अकाउंट में लेजर पोस्टिंग। अब ये मैच करना चाहिए, मैच करता है तो समझ लो पीछे तक का सारा वर्क करेक्ट है। जाहिर बात है इधर तो कोई आइटम ही नहीं है तो इतना ही अमाउंट आ रहा है, उधर भी इतना ही आना चाहिए। अब जरा देखते हैं लास्ट की, यहाँ दो जीरो ले लो, ये भी लास्ट में तो टू आ गया, उसके बाद 10, 18, 18 और 8 कितना हो गया आपका 26, टू कैरी हो गया,
उसके बाद 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 11 और 5 कितना हो गया, 16, 16 और 2 18, उसके बाद बच गया 1 कैरी, 3 और 3 6 हो गया, 8 9 और 1 10, 108 आ गया। दोनों साइडें मैच करती हैं, देखो दोनों साइडें मैच करने का मतलब है पीछे तक का सारा वर्क हमारा जो था करेक्ट है, कोई एरर नहीं हुई, वरना ये मैच नहीं करेगा। अब हमारा आज ये 50 क्वेश्चन ख़त्म और इसी के साथ डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर से शुरुआत करते हैं, सेकंड वॉल्यूम स्टार्ट कर देंगे, इश्यू ऑफ शेयर यानी कि कंपनी अकाउंट्स। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।